हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाली द इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज। और मैं ये कह सकता था यू आर वॉचिंग, ये लास्ट टाइम पिछले वीडियोस में सिखाया था, यू आर वॉचिंग, आई एम वॉचिंग, ही इज वॉचिंग, आई एम, यू आर, ही इज। आगे वो जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि वो चल रही है। कोई भी एक्टिविटी जब चल रही होती है, बहुत बार हम उसके जारी रहने की बात नहीं करते, हर बार हम वो बात नहीं बताते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बार हम बताते हैं कि मैं क्या कर चुका हूँ, बहुत बार बताते हैं कि मैंने क्या किया था, क्या करूँगा, क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या करना पड़ता है। एक सेंटेंस अगर मैं ले लूँ कि मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैंने मूवी देखी थी और मैं मूवी देखूंगा, इसमें मैं भी हूं और मूवी भी है और मूवी का देखना भी है, लेकिन हर बार अगर कुछ बदल रहा है तो वो बदल रहे हैं हालात। जब जब ये हालात बदलेंगे, समय बदलेगा कि मैं कौन से समय की बात कर रहा हूं, तो मैं उस व्यक्ति जो उसको कर रहा है काम को, मैं कर रहा हूं तो आई, मैं सामने वाले को जो मुझसे बात कर रहा है मैं उसके लिए कह रहा हूं कि आप कर रहे हैं तो यू, और मैं सामने वाले से जिससे मैं कि मैं बात कर रहा हूँ उससे मैं किसी और की बात करूँ तो ही, और अगर वो फीमेल है तो शी। आई के साथ एम, यू के साथ आर और ही शी के साथ इज। लेकिन एक हालात की जब उस एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि जो मैं उस वक्त कर रहा हूँ, अगर मैं उस एक्टिविटी की बात ना करके किसी और हालात की बात करता हूँ तो ये जो मैं इनके साथ शब्द यूज़ कर रहा था इज, एम, आर, ये ना यूज़ करके मैं कुछ और शब्द यूज़ करूँगा, वो अलग हालात होंगे, उस अलग हालात की बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जितना किया है उतना समझ जाने की ज़रूरत है कि आई एम, यू आर, ही इज़, और इसके बाद वो जो भी एक्टिविटी है उसमें आईएनजी लग कर आएगा। आई एम वॉचिंग, यू आर वॉचिंग, ही इज़ वॉचिंग, अब क्या वॉचिंग, वो जो भी वॉचिंग आप बता सकते हैं। खैर, लेकिन क्या हम हर काम के लिए हाँ करते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ? बहुत ऐसे काम हैं जिनको हम मना भी तो करते हैं। अब मना करते हैं तो मना करने के लिए हमारे पास दो शब्द, नो, नॉट। अगर हम सिंपली एक बात को सिरे से खारिज करते हैं और उस वाक्य को दोहराते भी नहीं हैं, एक तो मैं इस बात को पूरी तरह से कहूँ कि मैं नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम नॉट, पहला जो उस काम को कर रहा है, दूसरा आई है तो एम, यू है तो आर और ही है तो इज, दूसरा शब्द ही आएगा, और तीसरा नॉट आ जाएगा अगर हम मना कर रहे हैं तो। सेंटेंस बोलेंगे तो, अगर सेंटेंस ना बोलें, हम केवल एक ही शब्द में मना कर देना चाहते हो तो हमारे पास तरीका हो सकता है, नो, किसी ने पूछा आज कॉलेज जा रहे हो, उसने कहा नो, बात खत्म हो गई। या इसके साथ वो सेंटेंस भी बोल सकता है और उसमें भी बात को मना कर सकते हैं और कह सकते हैं No, I am not going to college today. I am not going to school today. I am not going to office. I am not going to. ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि I am not, इन शब्दों को अलग अलग बोला जाए। हमारा मकसद, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मकसद शब्दों को बोलना नहीं होता। अगर हम इसी बात को हिंदी में देखें तो हिंदी में हम हजारों बार जितनी बार बोलते हैं और आप लोगों को बोलते सुनते हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ये जो जा रहा हूँ पे गौर करें और इसको जैसा आपने सुना वैसा ही लिखने की कोशिश करें, तो ज ज पे आका डंडा, र पे आका डंडा रा, और बड़ा ऊ से ऊंट और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी, इस तरह से बनता है ये शब्द जा रहा हूँ, जबकि ये जा रहा हूँ नाम का कोई शब्द हिंदी शब्दकोश में तो नहीं होता। एक्चुअली ये तीन शब्दों को मिलाकर आपने बना दिया, जा रहा हूँ, लेकिन जब हम एक फ्लो के अंदर आते हैं तो हमें सब बोल जाते हैं जा रहा हूँ। ऐसे ही इंग्लिश में भी जब हम इन शब्दों को आपस में एक दूसरे के साथ मिंगल करने की कोशिश करते हैं तो ये एक फ्लो होता है, या कहिए जब फ्लो आता है तो ये अपने आप आपस में मिल जाते हैं, और ये कुछ इस तरह बनता है, आई एम नॉट गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ये जो सुनते हैं आप, व्हाट इज दिस, आई एम, बट इट इज़ अ फ्लो। चलिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर तो ये आने लगा होगा। बहरहाल, अगर मना करना होगा तो आई एम नॉट गोइंग। आपने, कोई आपका भाई है, आपका दोस्त है, वो एक कहीं जाने की जिद कर रहा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप उसे कह रहे हैं नहीं भाई मत जा, और वो नहीं मानता, फिर आप उसे स्ट्रिक्टली कहते हैं आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, ओके, यू आर नॉट गोइंग देयर, ओके, यू आर नॉट गोइंग देयर, यू आर नॉट गोइंग देयर। आई था तो आई के साथ एम था क्योंकि कार्य जारी था जाने का, यू है तो कार्य जारी है, उसके साथ आर था
तो वहाँ एम के बाद नॉट लगा, यहाँ आर के बाद नॉट लग जाएगा, यू आर नॉट गोइंग, और ही शी होगा तो उसके इसके बाद नॉट लग जाएगा, राइट। और अब ये सारी बातों के साथ साथ अब हम एक हालात की बात कर रहे थे पिछले दो बार से, तीन बार से। आज इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कोई नया हालात हम डिस्कस करें, लेकिन साथ ही मैं चाहता हूँ कि कुछ कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए, उसके लिए सवाल करना भी आ जाए। तो ये कहना कि तुम जा रहे हो, और एक ये पूछना कि तुम जा रहे हो, ये तुम जा रहे हो, एक तो हम अपने फिलो से पूछ सकते हैं, हे यू आर गोइंग, ये हमारा पूछने का तरीका हो गया। लेकिन अगर हम इसको ग्रामेटिकली सवाल बनाने की कोशिश करें तो यू के बाद आने वाला जो ये शब्द है आर, इसको हम पहले ले आएंगे। वो लोग जो जरा भी ग्रामर का ज्ञान रखते हैं उनको ये बिल्कुल मालूम होगा, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये वर्ब की हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। लेकिन अगर हम और दूसरे भाषा में बात करें तो ये वो शब्द हैं जो एक खास हालात के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। तो हम इस शब्द को पहले ले आएंगे बजाय उस व्यक्ति को लाने के जो उस कार्य को कर रहा है, उससे पहले ये हालात बताने वाला शब्द पहले आ जाएगा और बनेगा। हम अपने आप से अपने लिए सवाल नहीं करते कि क्या मैं जा रहा हूँ, हम हमेशा अपने बारे में तो मुझे मालूम ही है तो मैं किससे सवाल करूँगा। मैं सामने वाले का नहीं मालूम मुझे कि आज उसका क्या प्लान है, वो आज जा रहा है कि नहीं, तो मैंने उसको फ़ोन किया और पूछा क्या आप कॉलेज जा रहे हो, आर यू, आर यू, यू आर नहीं। अगर मैं बता रहा था तो मैं कह रहा था यू आर, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मैं पूछूंगा आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे, आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे, या मैं कॉलेज पहुँच गया हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का और वो नहीं आया है, तो मैंने पूछा आर यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे, सो लाइक दैट। मम्मी किचन में हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कर रही हैं, बर्तन साफ कर रही हो सकती हैं या खाना बना रही हो सकती हैं। मैंने खाना बनाने पर उनका कन्फर्मेशन लेना चाहा, खाना बनाने का कार्य मैंने अपनी ओर से बोला अपने सेंटेंस में, पूछा मम्मी, एक तो मैं पूछता ये कि क्या कर रही हैं आप, और एक मैं पूछूं कि मम्मी खाना बना रही हैं क्या आप, आर यू प्रिपेयरिंग फूड, आर यू प्रिपेयरिंग फूड। तो मम्मा जवाब दे देंगी यस आई एम प्रिपेयरिंग फूड, लेकिन अगर वो नहीं बना रही होंगी तो क्यों कहेंगी ऐसा, वो कह देंगी आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड। सो इस तरह से आज हम गौर करें तो हम नॉट भी लगा पा रहे हैं, जिस काम को हम नहीं कर रहे हैं उसका जवाब दे पा रहे हैं। और अगर हम नो की बात कर रहे हैं तो नो अपने आप में सेपरेटली यूज़ हो सकता है और उस बात को वो अकेला ही नकारने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम उस शब्द को लाएंगे, पहले नंबर पर वो व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा है, दूसरे नंबर पर वो हालात को बताने वाला शब्द, और तीसरे नंबर पर नॉट। मसलन मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट, आप नहीं कर रहे हैं यू आर नॉट, और वो नहीं कर रहा है ही इज नॉट, और जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें आई एन जी लगकर आ जाएगा। वेरऑल साथ ही सीखा हमने कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं, आर यू, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश। और मैंने दूसरी क्लास में या पहली में मुझे याद नहीं आता, लेकिन मैंने बताया था एक वर्ड बहुत यूज़ करते हैं हम अपने हिंदी में आजकल, आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल इंग्लिश सीख रहे हैं क्या। तो हम देखें इंग्लिश सीख रहे हैं क्या, पूछ रहा हूँ, अगर मैं बताता तो मैं कहता यू आर लर्निंग इंग्लिश, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तो यू आर की जगह क्या हो जाएगा, आर यू, बोलते रहिए साथ में आर यू, और बाकी वही रहेगा आई एन जी। और हम कहेंगे आर यू लर्निंग इंग्लिश, और ये जो शब्द हमने यूज़ किया कि आजकल, इसके लिए हम यूज़ करेंगे नाउडेज, आर यू लर्निंग इंग्लिश नाउडेज, क्या आप क्लास अटेंड कर रहे हैं आजकल, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या आपने अखबार सब्सक्राइब किया हुआ, ये सब्सक्राइब करना, एक्चुअली सब्सक्राइब करना, यहाँ हमारे चैनल के लिए भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मतलब कि आगे तक के लिए, नॉट ओनली कि आज आपको सुनना है, आगे तक भी जब भी ये आएगा तो उसको सुनना है। ऐसे ही हम अखबार एक दिन नहीं लेते, हम उसको एक बार बोलते हैं भैया हॉकर को कि आप हमारे यहाँ अखबार डेली पहुँचाना है, तो वो उतना एक निश्चित समय पर आकर, और उसका हम इकट्ठा एडवांस में या महीना पूरा हो जाने पर हिसाब करते हैं, लेकिन वो रेगुलर वे में आता है। फिर चाहे वो अखबार हो, हमारा मिल्कमैन हो जो दूध लेकर आते हैं, चाहे फिर वो हमारा केबल कनेक्शन का हो, ये सब हमने क्या किए हुए, सब्सक्राइब किए हुए हैं, क्या किए हुए, कोई मैगज़ीन भी हम अगर वो मंथली आती है, फोर्टनाइटली आती है, वीकली आती है, तो वो हमने सब्सक्राइब की हुई, तो जब भी उसका वो डे होता है उस दिन वो मैगजीन हमारे पास आ जाती है, उसके लिए हमें बार बार ऑर्डर नहीं करना होता। सो दैट्स कॉल्ड सब्सक्राइब करना।
और जिस चीज़ को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके और सब्सक्राइब के बीच में टू आता है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं आजकल अमर उजाला सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो आई एम सब्सक्राइबिंग टू अमर उजाला नाउअडेज। खैर, तो आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एक्सरसाइजेज नाउअडेज। मैं आजकल जैसे वो आप जिम में या घर पे ही जो कसरत करते हैं उसके लिए एक वर्ड होता है वर्कआउट करना, वर्कआउट अलग अलग है, आगे बताऊंगा कि क्या चीज़ है, किस तरह से यूज़ होते हैं। वर्क एक्शन है, एक एक्टिविटी है, एक ऐसा शब्द जिसमें कोई कार्य होना पाया जा रहा है, वर्ब है जैसे। और आउट एक प्रपोजिशन है, ये क्या कॉम्बिनेशन है, कब आता है और इसके मायने क्या हो जाते हैं आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि उस तरह की कसरत और एक्सरसाइज करने को वर्कआउट करना कहते हैं, और आप वो कर रहे हैं तो कहते हैं मैं आजकल कर रहा हूँ। किसी ने कहा यार आजकल बड़े स्लिम नज़र आ रहे हो, यू आर लुकिंग सो स्लिम। सो उस स्लिम नज़र आने के पीछे एक वजह है कि आप सुबह सुबह एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपने कहा आई एम डूइंग एक्सरसाइजेस। लेकिन इस सबको मैंने रिप्लेस करने के लिए कहा भी आपको कि आप चाहें तो यहाँ वर्कआउट बोल सकते हैं। देखिए कभी भी आप जो बोलते हैं उसमें इतना सोचिए कि अच्छा मैं तो एक्सरसाइज बोल रहा था, एक्सरसाइज बोल रहे थे वो भी ठीक था, एक नई चीज़ पता लगी। अगर कभी बोलने का आए तो आप ये भी बोल सकते हैं, अगर मेरे को घर जाने का एक रास्ता मालूम है लेकिन अगर दूसरा भी मालूम हो तो बुरी बात नहीं है, अगर कल को वहाँ ट्रैफिक जैम होता है तो मैं उस रास्ते से जा सकता हूँ। तो हिंदी बोलने में भी हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जो वहाँ पे जो शब्द आता है हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जानने की स्टार्टिंग में कोशिश ना करें, यू आर टॉडलर लर्नर बिगिनर, सो काइंडली स्टार्ट डूइंग फर्स्ट, पहले से करना शुरू करें। बचपन से आज तक जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसमें भी यही प्रोसेस इस्तेमाल किया हमने। हम जितना जितना बड़े होते गए, 8 से 10 साल, 10 से 12 साल, 12 से 14, 15, 16, 18, हमारा बातें करने का, हमारे शब्दों को इस्तेमाल करने का जो ग्रेडिंग है वो बदलता रहा और आगे भी ये बदलता रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा ना सोचें, फिलहाल वर्कआउट आप यूज़ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग आउट नाउडेज, आई एम वर्किंग आउट नाउडेज, मतलब आजकल मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इसलिए मैं स्लिम ट्रिम दिख रहा हूँ। किसी ने कहा बड़े हेल्दी दिख रहे हो, बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, तो उसने बोला कि आई एम बहुत हेल्दी दिख रहे हो, तो आई एम वर्किंग आउट, आई एम वर्किंग आउट, वर्किंग वर्किंग वर्किंग। आप बोल कर देखिए ना वर्ड को तो होने लगेगा, क्योंकि ये माइम करना, माइम मतलब किसी को सुनकर उसके जैसे लहजे में बोलना, मतलब सुनी हुई बात को नकल करके बोलना, इसको माइम करना कहते हैं। माइम ये वर्ब है, एम आई एम ई, देखो ये मेरी नकल उतार रहा है, मतलब ही इज़ माइमिंग, ही इज़ माइमिंग लाइक दैट वी कैन। सो ये आप कर सकते हैं जो मुझे सुन रहे हैं, इस तरह से बोलने की कोशिश करें। और सेंटेंस क्या होगा, आई एम वर्किंग आउट नाउडेज, आई एम वर्किंग आउट नाउडेज, तो आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग नाउडेज, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। खैर वेरल, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, बोलिए जल्दी बोलिए प्लीज, आर यू लर्निंग इंग्लिश नाउडेज, आर यू लर्निंग इंग्लिश नाउडेज। खैर ये अब तक जो हमने सीखा, एक हालात की जब कोई काम चल रहा है सवाल कर सकते हैं, यही सवाल अगर मुझे आपसे, आपके किसी या मेरे किसी, या ना आपके ना मेरे पर कोई और है, किसी और के बारे में पूछूं तो मैं पूछूंगा क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो गाली दे रहा है, इज ही अब्यूजिंग, क्या आप गाली दे रहे हैं, आर यू अब्यूजिंग। अब ये ना करिएगा कोशिश कि क्या मैं गाली दे रहा हूँ, मुझे तो मालूम ही है ना मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, तो मैं सवाल आपसे क्यों पूछूं अपने बारे में। तो कोशिश कीजिए कि जब इसकी ज़रूरत ना हो तो ये एम आई की कोशिश ना करें, हाँ आर यू, इज ही, क्या वो कपड़े धो रही है, इज शी वॉशिंग, इज शी वॉशिंग, इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। आज इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आज बहुत छोटा वीडियो रखते हैं, इसके बाद फिर मैं हालात बदलने वाला हूं, अगले वीडियो में हम हालात बदल देंगे, ये काम का जारी रहना ख़त्म करेंगे और इसके बाद कोई और हालात लेकर आएंगे। बहरहाल हमेशा की तरह एक बात कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ अभी तक अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आया तो, बट बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें ताकि अगला अपडेट आपको मुझे बार बार व्हाट्सएप वगैरह पर ना भेजना पड़े और आपको खुद ब खुद यूट्यूब पर मिल जाए। सो सी यू नेक्स्ट गाइज, हैव अ नाइस टाइम।